नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसएफ एससीएम की जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसके बारे में, कब एग्ज़ाम होगा आपका, कब एडमिट कार्ड आएंगे दोस्तों, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम डेट है, अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, साफ साफ कह रहे हैं दोस्तों, अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आपका जो PST है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका रिजल्ट भी आ गया, यानी कि एक स्टेप, एक फेज दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो भी साथी पास हो चुके हैं दोस्तों, उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है, अभी आपको टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी करें। तैयारी दोस्तों किस चीज़ की करनी है, अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी तो करें। लेकिन एक जो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी दोस्तों बात है, वो है टाइपिंग है दोस्तों। तो आपको टाइपिंग को ध्यान से करना है दोस्तों, डेली आप करते रहें टाइपिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट टाइपिंग में ही फेल होंगे दोस्तों। अगर आप इतना पास कर चुके हैं और टाइपिंग में निकलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको दुख होगा। और दोस्तों, अगर आपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, तो प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उनको दोस्तों नोट्स बनाएं अपने या रिवीजन करते रहें, छोटी छोटी वीडियो दोस्तों, जब आपके पास टाइम हो आप उनको देख लिया करें। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है, हिंदी की भी है, रीजनिंग की है दोस्तों, मैथ की है, सब चीज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी दोस्तों, ये सब चीज़ें। और एग्ज़ाम आपका दोस्तों जो होने की संभावना है वो मई में हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि 27 नवंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन उसके बाद में दोस्तों नोटिस आया था, उसमें पूरा ही पैटर्न आपका चेंज कर दिया गया था। तो उसमें PST पहले कराया गया था, तो PST आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जिससे कि दोस्तों यहाँ जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। फिर दोस्तों 12 मार्च को देखा गया कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन 12 मार्च को भी नहीं हुआ, तो अब दोस्तों देखते हैं मई में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, टाइपिंग को ज़रूर करते रहें दोस्तों, बार बार हम टाइपिंग की बोल रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग में ही ज़्यादा कैंडिडेट निकलते हैं। और आप दोस्तों प्लेलिस्ट भी देखते रहें, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए इसका, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोस्तों प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और दोस्तों आप मॉक टेस्ट भी चैनल पर डले हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट को और भी आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों मॉक टेस्ट। और क्लास आपको दिख रहा होगा कि कम आ रही है अब कंप्यूटर की और हिंदी, जो भी दोस्तों आपके BSF है उनके लिए, क्योंकि दोस्तों हमने आपको इतना करा दिया कि आप उसी को कर लेंगे, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा कराएंगे दोस्तों, उनको ही आप देखते रहें। और फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों, कंप्यूटर की हैं, हिंदी की हैं, मैथ, ये सभी दोस्तों, जब टाइम के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो उनको भी आप देखते रहना दोस्तों। आप टाइपिंग पर अपने पूरा फोकस बनाकर चलें, क्योंकि SCM की आप किसी भी वैकेंसी में जाएं दोस्तों, उसमें टाइपिंग तो ज़रूर लेते ही हैं, तो टाइपिंग आप ज़रूर करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए किसी वैकेंसी के लिए दोस्तों, आपको तैयारी करनी है, तो उसका आप कमेंट करके बताएं, उसके लिए भी हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे दोस्तों एकदम फ्री। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने सभी साथियों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।